जैसे इंसानों को जिंदा रखने के लिए इंसान की नसों में खून का दौरान एक पल के लिए भी रोका नहीं जा सकता, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए कैश फ्लो या फिर नकदी का लेन देन बहुत जरूरी होता है। कोरोना वायरस के कारण पूरा देश रुका हुआ है। कोरोना महामारी से बचाने के लिए पुलिस और डॉक्टर सबसे आगे आकर लड़ रहे हैं। बेशक पूरा भारत पुलिस कर्मियों और हेल्थ वर्कर्स का कर्जदार है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो चुपचाप गुमनामी के अंधेरे में कोरोना से लड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था को जमींदोज होने से रोके हुए हैं। जिस दिन भारत कोरोना को हराकर फिर से तरक्की की राह पर दौड़ेगा, उस दिन भी हमें इनकी फिक्र नहीं होगी। 14 लाख गुमनाम लोगों की इस सेना के लिए ना फूल बरसाए गए, ना इनका हौसला बढ़ाने के लिए किसी के मुंह से दो शब्द ही निकले। आज सबका भारत के साथ, पूरा भारत उनको करेगा सलाम जिनकी बदौलत जिंदा है देश की अर्थव्यवस्था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 14 लाख बैंक कर्मचारी हैं। कोरोना संक्रमण काल में लगाए गए लॉकडाउन में भी बैंक कर्मचारियों ने नकदी का संकट नहीं होने दिया। बैंक कर्मी रोज बैंक में आकर लोगों को नकदी का भुगतान करते रहे, यहां तक कि कोरोना संकट में बैंकों ने अपनी सेवाओं में और इजाफा ही किया। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने और तमाम तरह की अफवाहों के बीच बैंक कर्मचारी काम पर डटे रहे। बैंक शाखाओं से भी लोगों को भुगतान मिला, एटीएम मशीनों से भी पैसे आते रहे और मोबाइल एटीएम वैन भी गली मोहल्लों में रुपया निकलवाने के लिए पहुंची। कहीं भी किसी को भी नकदी का संकट नहीं झेलना पड़ा। कोरोना संकट में बैंकिंग का समय पहले 10 से 2 बजे था, मगर लोगों की जरूरतें देखते हुए कुछ ही दिनों में इसे बढ़ा दिया गया। जैसे अस्पताल में डॉक्टर दिन रात लगे रहे, सड़कों पर पुलिस लॉकडाउन का पालन कराती रही, वैसे ही देश की बैंकों में काम करने वाले बैंक कर्मचारी भी अपनी अपनी शाखाओं में काम करते रहे। सरकार के पास, देश की मीडिया के पास हर बात का हिसाब है, मगर बहुत ढूंढने पर भी आपको नहीं पता चलेगा कोरोना काल में कितने बैंक कर्मचारियों ने आखिरी सांस ली। लॉकडाउन में ऐसे हजारों बैंक कर्मचारी हैं जो देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद भी नियमित रूप से बैंक जाते रहे, आम दिनों की तरह ही काम करते रहे और संक्रमित होते रहे। अब तक कुल कितने बैंक कर्मियों को कोरोना संक्रमण हुआ और कितने लोगों ने इस दौरान जान गंवाई, इसका रिकॉर्ड भी शायद ही किसी के पास हो। 28 मार्च को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे भरोसे के साथ ये दावा किया कि देश की बैंकें जैसे काम कर रही थी वैसे ही करती रहेंगी, और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद सरकार ने जनधन खातों में आर्थिक मदद भेजनी शुरू की, जिसके चलते बैंक शाखाओं में लॉकडाउन के बावजूद जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग गायब रही और बैंक कर्मी सीधे तौर पर लोगों के संपर्क में आते रहे। सरकार चाहती तो स्थानीय प्रशासन की मदद से अचानक से उमड़ी भीड़ को नियंत्रित कर सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी भी बैंक कर्मचारियों पर छोड़ दी गई। कोरोना काल में वो हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है जो इस मुसीबत की घड़ी में अपना फर्ज निभा रहा है। जितना हो सके उतना बैंक की डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करें। ऐसा करके आप बैंकों में काम करने वाले उन गुमनाम सिपाहियों की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं जिनका नाम कहीं नहीं दिखता, मगर जिनके काम के बिना कोरोना महामारी से जंग कभी नहीं जीती जा सकती। अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।